मुल्की मौसम की सूरत हाल आपने जानी। उदरमरी में भी आज मौसम साफ और धूप निकली हुई है। हालिया शदीद बर्फबारी के बाद हल्का कोसार और मुलका इलाकों की अहम सड़कें तो खोल दी गई हैं, ताहम कई राबता सड़कें बदस्तूर अब भी बंद होने की शिकायत आ रही हैं। शदीद सर्दी के बावजूद बड़ी तादाद में सयाह बर्फ पोश पहाड़ों का नजारा करने के लिए इलाके का रुख कर रहे हैं। मजीद जानते हैं मरी में मौजूद आज न्यूज के नुमाइंदे जफर इकबाल रहीम से। जी जफर, बताएगा की मरी का मौसम आज कैसा है और हालिया शदीद बर्फबारी इलाके की क्या सूरत आप देख रहे हैं? जी, मरी में हालिया शदीद बर्फबारी का सिलसिला दो रोज़ कबल रुक गया था, जिसके बाद आज मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। मरी में इस बर्फबारी के स्पेल के दौरान 3 फुट से ज्यादा जबकि गलियात में 4 फुट बर्फ पड़ी, जो गुज़िश्ता 7 साल के बाद एक रिकॉर्ड है। मरी में आज धूप निकलने और मौसम साफ होने के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। तमाम सर्दी की शिद्दत में कमी नहीं हो सकी और आज भी दर्ज हरारत -4 है। मरी में मौसम साफ होने के बाद और बर्फबारी रुकने के बाद मरी इंतजामिया ने पंजाब हाईवे के ज़रिए तमाम सड़कों को साफ कर दिया है, जिसके बाद ये तमाम सड़कों पर ट्रैफिक रवान दवा हो गया है। ताहम कई राबता सड़कें अभी तक बंद हैं। मरी में बर्फबारी के बाद जो बिजली का निज़ाम दरम बरम हुआ था उसको भी किसी हद तक ठीक कर दिया गया है, लेकिन कई दही इलाके अभी तक सर्दी के बावजूद अंधेरों में डूबे हुए हैं। मरी में मौसम खुशगवार होने के बाद सयाहों की बड़ी तादाद मरी पहुँच रही है, जो यहाँ की बर्फ़पोश वादियों में खूबसूरत मौसम और नज़ारों से पूरी तरह लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मरी और अब्टाबाद के दरमियान होने वाली शदीद बर्फबारी के बायस अभी तक सड़कें साफ़ नहीं की गईं, जिसके बाद मरी और लथिया गली और मरी और अयूबिया के दरमियान हर किस्म का ट्रैफिक रब्ता बंद है। इसलिए मरी आने वाले सयाह लथिया गली आने का सोच कर ना आएँ। मरी आकर सयाह कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट और मालरोड वगैरह पर बहुत अच्छी तरीके से बर्फ़ से इंजॉय कर सकते हैं। जी जफर इकबाल रही, मरी में मौसम से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। दूसरी जानिब